गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई एम विजेंद्र कुमार, मैथ टीचर फ्रॉम सूरत सीनियर सेकेंडरी स्कूल महेंद्रगढ़। स्टूडेंट्स, आज हमारा जो टॉपिक है वो है सर्कल का, और हम कर रहे हैं आरएस अग्रवाल का एक्सरसाइज 11A क्वेश्चन नंबर 3। देखिए इसमें क्या गिवन है कि इन द गिवन फिगर ए बी पैरेलल डी सी, ए बी है वो डी सी के पैरेलल है, एंड ए बी सी डी एंड ए बी सी डी इज साइक्लिक, ए बी सी डी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ये गिवन है। फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है एंगल बी सी डी, एंगल ए डी सी एंड एंगल ए बी सी। सॉल्यूशन, एंगल बी सी डी, बी सी डी, तो देखिए बी सी डी आपका एंगल ये है। इस एंगल का गिवन एंगल से क्या रिलेशन है, लगभग क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व होते हैं, जो गिवन एंगल है उसका जो फाइंड करना है उससे या तो डायरेक्ट कोरिलेशन मिलेगा या इनडायरेक्ट। तो हम देख रहे हैं कि एबीसीडी एक साइक्लिक है और एंगल ये जो सी यानी बी सी डी एंड एंगल बी ए डी अपोजिट एंगल है ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल का सम कितना होता है 180। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, एबीसीडी इज साइक्लिक, सो एंगल बी सी डी प्लस एंगल बी ए डी इज इक्वल टू 180। क्यों, अपोजिट एंगल। रीजन आपका हो जाएगा अपोजिट एंगल। ठीक है, रीजन कंपल्सरी है, एंगल बी सी डी प्लस एंगल बी ए डी 100 इज इक्वल टू 180। सो एंगल बी सी डी इज इक्वल टू 180 माइनस 100 यानी 80 डिग्री। तो एंगल बी सी डी आपका कितना आ गया 80 डिग्री। फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट में क्या पूछा है, ए डी सी, एंगल ए डी सी, ये एंगल आपका कितना आ चुका 80। ए डी सी, अब देखिए ए डी सी का मैंने बताया कि जो एंगल हमें फाइंड करना है उनका, ये एंगल गिवन था, ये हम फाइंड कर चुके, तो ये दोनों अब आपके पास गिवन में यूज कर सकते हो। ये एंगल हमें फाइंड करना है, इसका इसके साथ या इसके साथ कोई रिलेशन होगा। तो आप देखेंगे कि आपके पास क्या गिवन है, एबी पैरेलल डीसी। देखिए किसी भी स्टेटमेंट या क्वेश्चन के अंदर जो गिवन होता है उसका यूज होना है, तो एबी पैरेलल डीसी एंड एडी इज ट्रांसवर्सल, एबी डीसी के पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, एबी पैरेलल डीसी एंड एडी इज ट्रांसवर्सल, ए बी डी सी के पैरेलल है, एडी ट्रांसवर्सल है, तो टू पैरेलल लाइन को जब एक ट्रांसवर्सल लाइन कट करती है तो जो सेम साइड के एंगल होते हैं उनका सम कितना होता है 180। तो यहां से आपके पास क्या आएगा, सो एंगल बी ए डी प्लस एंगल ए डी सी इज इक्वल टू 180। रीजन क्या हो गया, सेम साइड एंगल, सेम
साइड एंगल, कंप्लीट लिखने की जरूरत नहीं है, आप रीजन को शॉर्ट में दे सकते हो। सो एंगल एडीसी, एडीसी इज इक्वल टू 180 माइनस 100 और 80 डिग्री। क्लियर, ये आपका था पार्ट सेकंड। थर्ड, एंगल ए बी सी, सो ये आपका कितना आ गया 80। ए बी सी, अब ए बी सी में आप ये पैरेलल लाइन है, ये ट्रांसवर्सल लाइन, इसका यूज कर सकते हो। और ए बी सी डी जो साइक्लिक क्वाड्रेटर अपोजिट एंगल का सम 180, इसका यूज कर सकते हो। तो क्या करेंगे, एंगल ए डी सी प्लस ए बी सी, एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 180। रीजन क्या हो जाएगा, अपोजिट एंगल, फिर साइक्लिक क्वाड्रिलेटर। एडीसी आपके पास कितना आ चुका 80 प्लस एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 180। सो एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 180 माइनस 80 यानी 100 डिग्री। सो ये आपका कितना आ जाएगा 100। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन था। अब इस क्वेश्चन के अंदर आपकी क्या क्या प्रॉपर्टी यूज हुई है वो देख लीजिए। एक तो आपका था कि एबीसीडी इज ए साइक्लिक क्वाड्रेटल, एबीसीडी एक साइक्लिक क्वाड्रेटल है और साइक्लिक क्वाड्रेटल के अपोजिट एंगल है उनका सम कितना होता है 180। एक तो हमने इस प्रॉपर्टी का यूज किया है। सेकंड प्रॉपर्टी आपकी इसमें क्या यूज हुई है कि जब टू पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल लाइन कट करती है तो जो सेम साइड के एंगल होते हैं उनका सम 180 होता है, एग्जैक्ट 180। ठीक है, क्योंकि हमारी पैरेलल लाइन की स्टेटमेंट भी है कि सम ऑफ द सेम साइड एंगल इज इक्वल टू टू राइट एंगल, टू राइट एंगल मीन्स 180, कि टू पैरेलल लाइन को जब एक ट्रांसवर्स लाइन कट करती है तो सेम साइड के एंगल का सम टू राइट एंगल के बराबर होता है यानी 180 के बराबर होता है, तो वो लाइनें पैरेलल होती है। इन दो प्रॉपर्टी का हमने इस क्वेश्चन के अंदर यूज किया है। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।